वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे जेपी नड्डा की 20 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ताजपोशी होने जा रही है, जिसको लेकर पूरे हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उनके गृह जिला बिलासपुर में भी खुशी का माहौल है। जेपी नड्डा की ताजपोशी समारोह में जहां पूरे प्रदेश से भाजपा कार्यकर्ता दिल्ली रवाना हो रहे हैं, वहीं बिलासपुर जिला से भी हजारों की संख्या में लोग दिल्ली कूच कर गए हैं। बिलासपुर से विधायक सुभाष ठाकुर की अगुवाई में सैकड़ों लोगों का काफिला दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। दिल्ली जाने से पूर्व विधायक सुभाष ठाकुर ने सभी कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा आज जिस पद पर पहुंचे हैं, वो नड्डा की मेहनत और संयम का परिणाम है और हिमाचल प्रदेश के लिए ये सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से हिमाचल प्रदेश को राजनीतिक बल मिला है और प्रदेश आने वाले समय में और बेहतर तरीके से शिखर की ओर अग्रसर होगा। आज बिलासपुर में बहुत ही उत्साह है और सारे वर्गों में बहुत खुशी है। आज हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर के लिए एक बहुत बड़ा मान सम्मान और एक ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। इससे जहां बिलासपुर के लोगों में खुशी है, वहीं हिमाचल प्रदेश के भी आम जन में खुशी है कि हम तो बरसों से स्टूडेंट लाइफ से उनको देख रहे हैं, उनकी कड़ी मेहनत और वो जो उनमें जुनून है और विचारधारा के लिए, वर्कर के लिए, पार्टी के लिए, समाज के लिए, आम जन के लिए, वही जुनून, उसी जुनून के माध्यम से और जो उनकी एक निष्ठा रही है, जो रात दिन उन्होंने काम किया है, उसी की बदौलत आज उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मा मिल रहा है। मैं अपनी तरफ से हिमाचल वासियों की और बिलासपुर की तरफ से अपने नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं और आदरणीय नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बता दें कि नड्डा ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक पहुंचे हैं। इतने बड़े पद पर पहुंचने से हिमाचल प्रदेश को भी जहां राजनीतिक बल मिलेगा, वहीं विकास के मामले में भी बेहतर तरीके से शिखर पर पहुँचने की ओर अग्रसर हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, बिलासपुर।